हमको आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आने वाली 2 सितंबर और 3 सितंबर को बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी इस शहीदों की किसानों की भूमि पर पधार रहे हैं। 2 अगस्त को सीकर में, 2 सितंबर को सीकर में एक भव्य दिव्य दरबार का आयोजन लगाया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम प्रत्येक सीकर वासी के लिए, प्रत्येक राजस्थान वासियों के लिए इसलिए सौभाग्यशाली है क्योंकि हमें सीकर वासियों को इस राजस्थान में दिव्य दरबार पहली बार मिला है। इससे पहले भी धीरेंद्र शास्त्री जी 2 बार सीकर आ चुके हैं, लेकिन दिव्य दरबार का आयोजन राजस्थान में पहली बार लगाया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ सीकर की पावन धरा में जो आम नागरिक है, जो सनातनी है, उनकी भावनाएं हमारे धर्म के प्रति इतनी दृढ़ है कि धीरेंद्र शास्त्री जी को जब भाई संदीप जी, यशपाल जी और हमने निवेदन किया कि हमें सीकर में महाराज श्री भव्य दरबार लगाना है, तो उन्होंने कहा कि सीकर वीर शहीदों की भूमि है, ऐसी भूमि को नमन करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। 2 सितंबर को सीकर में भव्य दिव्य दरबार लगाया जाएगा। महाराज श्री 2 सितंबर को सुबह लगभग 9 बजे तारपुरा हवाई पट्टी चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे। वहां से चौपहिया वाहनों के जरिए महाराज श्री शहर में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। जो वाहन रैली और रोड शो हो रहा है, इसमें सीकर शहर के और आसपास के ग्रामीण सब शामिल होंगे। इसके बाद महाराज श्री जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे। कार्यक्रम सीकर वासियों को 2 दिन का मिला है, 2 तारीख और 3 तारीख सुबह तक महाराज श्री सीकर हम सबके बीच में रहेंगे। कार्यक्रम के स्थान और इन सब के बारे में बागेश्वर धाम मंडल के मेरे भाई सहयोगी संदीप जी शर्मा मौजूद हैं, जो महाराज के अनुयायी हैं, महाराज के शिष्य हैं। इन्होंने पहले भी छोटी लोसल में दरबार का कार्यक्रम करवाया था। यशपाल जी गुजर हैं, मेरे बचपन के साथी हैं और वर्तमान में झुंझुनू के भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी हैं। हम आयोजनकर्ता आप सभी के माध्यम से सीकर और राजस्थान के प्रत्येक नागरिकों को हम कहना चाहते हैं, हम तीनों भाई, कि इस कार्यक्रम का आयोजन, इस राजस्थान का प्रत्येक सनातनी है, राजस्थान का प्रत्येक हिंदू समाज का नागरिक कार्यक्रम का आयोजक है, सभी को इसकी तैयारियों में लगना चाहिए। और मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कार्यक्रम यह होगा। हमारी आशाएं हैं, हमें विश्वास है कि बाबा खाटू श्याम की धरती, सालासर दरबार की धरती, संत श्री रतिनाथ जी महाराज की तपोभूमि पर दिव्य दरबार में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आएंगे। आगे की मेरे भाई सहयोगी संदीप जी शर्मा आप सबको जानकारी देंगे। जैसा कि मेरे युवा साथी सवदेश जी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम स्थल का है वो ऐसा रहेगा कि अभी सोशल मीडिया भी सब जगह वायरल हो रहा है, पलचाना टोल के पास में अकेपुरा प्रताप कॉलेज, हालांकि वो काफ़ी डिस्टेंस की वजह से उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जो अपनी तारपुरा हवाई पट्टी है उससे काफ़ी डिस्टेंस वहाँ पे है, तो इसकी वजह से कार्यक्रम स्थल चेंज हो रहा है। हालांकि नियरेस्ट अपन साउंड सर्किल के आसपास में कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं, बाकी आज शाम को या कल सुबह तक प्रेस वार्ता के थ्रू हम प्रेस नोट जारी कर देंगे कि कार्यक्रम स्थल प्रॉपर कहाँ पर रहेगा। देखो, हम ये चाह रहे हैं कि हम 1.5 से 2 लाख लोगों का जो ड्रोन टेंट है वो लगा सकें, ऐसा स्थान हम देख रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि महाराज श्री के दरबार में लाखों की संख्या में अनुयायी आते हैं, तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्थान देख रहे हैं। हमें स्थान के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था भी देखनी है, इतना भव्य आयोजन होगा।
तो हम दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हुए ये स्थान का देख रहे हैं और सीकर के आसपास कहीं का भी स्थान आज शाम को या कल सुबह तक हम प्रेस नोट के द्वारा आपको बता देंगे। दरबार एक दिन का रहेगा, एक दिन का दरबार का कार्यक्रम रहेगा और एक छोटा सत्संग का कार्यक्रम भी हम बना रहे हैं, वो हम आगे की प्रेस वार्ता में प्रेस नोट में आपसे साझा करेंगे।